डिया स्टूडेंट्स असलमैकम टुडेज टॉपिक इज़ हाउ टू डिलीट अ कस्टमर नाउ दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज प्रपोजिशन वाई वुड समी नीड टू डिलीट अ कस्टमर हम एक कस्टमर को क्यों डिलीट करेंगे कोई लॉजिकल सी चीज़ लगती है लेकिन इसकी बहुत सारी रीजनस हो सकती हैं ख़ास तौर पर जब आप बहुत सारे कस्टमर्स को अपने पुराने सिस्टम्स से नए सिस्टम पर ले जा रहे हैं हो सकता है कि आप पुराने डेटा को री एंटर कर रहे हैं जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आपको एहसास होगा कि हमने एक ही कस्टमर को एक से ज़्यादा दफ़ा डुप्लिकेट बना दिया और वो कैसे सिर्फ हल्की सी स्पेलिंग मिस्टेक से एक ही नाम के दो मुख्तलिफ कस्टमर बन गए हैं लेकिन सारी ट्रांज़ेक्शन एक कस्टमर के साथ होती रही और वो क्योंकि हमारे रिकॉर्ड पे आ गया था तो हम उसे हटा नहीं सकें लेकिन क्विक बुक्स आपको ये सहूलत देता है कि यू कैन रिमूव अ कस्टमर नॉट रिक्वायर्ड इन मोर एक तो रीज़न ये हो गया कि आपने इसे जल्दी में एक से ज़्यादा दफ़ा एंटर कर दिया है या रजिस्टर कर लिया है दूसरी वजह यह हो सकती है कि एक कंपनी ने एक से ज़्यादा नामों के साथ आपके पास रजिस्टर करवा लिया हो और आप उसने आपसे कहा हो कि आप हमारी सारी अकाउंटिंग सारी बिलिंग और इन्वाइसिंग एक कंपनी के नाम पे करें जब कोई कंपनी आपसे ये रिक्वेस्ट करेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसका अगर कोई और कंपनी जो आपके पास रजिस्टर्ड है और उसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ यू कैन डिलीट दैट कंपनी इससे आपका डेटा बेस भी साफ सुथरा रहेगा और उसमें सिर्फ वो कस्टमर रहेंगे जिनके साथ आप बिजनेस करते हैं और ये कोई नई बात नहीं है ये हर जगह होता है एक से ज़्यादा दफ़ा लोग रजिस्टर करवा लेते हैं और एक से ज़्यादा दफ़ा लोग गलती से एक ही कंपनी को रजिस्टर कर लेते हैं ये जानबूझ के नहीं करते हो सकता है कि एक बंदे से ही गलती हो गई हो या किसी और बंदे को जरूरत पड़ी तो उसने भी वही कंपनी रजिस्टर कर ली वेन एवर दिस हैपन्स यू कैन ऑलवेज रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम बाय डिलीटिंग दैट कस्टमर बट रिमेंबर वन थिंग दैट यू कैन नॉट डिलीट अ कस्टमर विथ होम यू हैव ऑलरेडी डन सम बिजनेस ट्रांजेक्शन अगर किसी कस्टमर के साथ हो चुकी है तो वो कस्टमर डिलीट नहीं किया जा सकता उसको कैसे हैंडल करना है वी विल सी लेटर ऑन बट इन दिस लेक्चर वी विल सी हाउ टू रिमूव कस्टमर हु इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर इस स्क्रीन से तो आप फेमिलियर हैं ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन कस्टमर टू गो टू योर कस्टमर सेंटर इसमें वंस अगेन यू कैन सी योर कस्टमर लिस्टेड ऑन द लेफ्ट साइड and whichever customer is selected his detail is shown in the pane on the right hand side in this case what we are going to do is we are going to delete one of these two customers now this customer was made in error or this company had re-registered itself with us with a new name now it wants that new company removed अब जब भी आपने कोई नई कंपनी रिमूव करनी है सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन हुई है या नहीं मिसाल के तौर पर अगर जीशान कंपनी को हम डिलीट करना चाहें तो ये आपको डिलीट नहीं करने देगा यू कैनॉट डिलीट एन आइटम दैट हैज़ सब आइटम्स डिलीट और मूव द सब आइटम्स फर्स्ट ये आपसे कह रहा है कि ये कस्टमर आप डिलीट नहीं कर सकते क्यों क्योंकि इसके साथ और ऐसे आइटम्स मौजूद हैं जिसके अंदर कोई ना कोई ट्रांजेक्शन या अकाउंट हो चुके हैं इन दिस केस दिस इज वन ऑफ द कंपनी विच वॉज रजिस्टर्ड बाई अस एरानियसली ये गलती से हमसे रजिस्टर हो गई है जब भी आप चाहें इसको आप डिलीट कर सकते हैं आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डिलीट दिस कस्टमर जैसे मैंने आपको पहले बताया था जब भी आप कोई एक्शन लेंगे हमेशा क्विक बुक्स आपसे वेरीफाई करेगा आप जल्दी में या जल्दबाजी में गलत एक्शन ना लें याद रखें अगर आपने ये डिलीट कर दिया तो आपको अनडिलीट का कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है आपको ये दोबारा से कस्टमर क्रिएट करना पड़ेगा इन दिस केस वी डू नॉट नीड दिस कस्टमर वी विल सिंपली क्लिक ओके एंड दिस कस्टमर विल डिसर अब आपको ये क्लियर हो गया कि हम सिर्फ वो कंपनियां डिलीट कर सकते हैं जिनमें एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन ना हुई हूँ जिस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई सिर्फ हम वो डिलीट कर सकते हैं और ये कोई हैरत की बात नहीं है कि आपके रिकॉर्ड में आपकी रजिस्ट्रेशन में ऐसी कंपनियाँ मौजूद हैं जिसमें कोई भी किसी कस्म की कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई दो मिसालें मैं आपको पहली दे चुका हूँ एक मिसाल और देखें एक ऐसी कंपनी है जिसको हमने काफ़ी सारे प्रपोज़ल और बिट्स जमा कराए हैं लेकिन आज तक हम उस अपनी कोटेशन और बिड्स और एस्टिमेट देने के बावजूद कोई भी प्रोजेक्ट लेने में कामयाब नहीं हुए हैं अब हमने फैसला किया है कि अब हम मजीद इस कंपनी के साथ काम नहीं करेंगे क्योंकि हमने बिड ज़रूर बनाए हैं लेकिन हमने आज तक तो कोई इसमें प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया तो इस कंपनी के अगेंस्ट कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है इफ़ वी वॉन्ट इफ वी विश वी कैन डिलीट दिस कंपनी इफ़ नॉट वॉट वी कैन डू जैसे कि हमने लास्ट टाइम करके देखा था वी कैन मेक दिस कंपनी इनएक्टिव इन दैट केस दिस कस्टमर वुड बी अवेलेबल टू आस इफ वी एक्टिवेटेड अगेन बट ही विल बी नॉट शोन इन द लिस्ट इससे यह होगा कि हमारे पास डेटा बेस में जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है सिर्फ वो कंपनियाँ नजर आएंगी जो कि एक्टिव हैं और जिस जिनके साथ आप मुसलसल काम कर रहे हैं जो भी कंपनियां डिलीट हो चुकी हैं वो आपको कभी भी नज़र नहीं आएंगी अनडिलीट का कोई इसमें फंक्शन नहीं है और जो आपने इनएक्टिव कर दी हैं वो भी आपको इस लिस्ट में नजर नहीं आएंगी लेकिन देर इज़ अ वे टू सी ऑल दोज कंपनीज एंड कस्टमर्स वी हैव मेड इनएक्टिव वील सी हाउ टू डू दैट इन अर नेक्स्ट सेक्शन अंटिल देन इट इज़ खुदा हाफिज़